हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कुछ प्रमुख सशस्त्र विद्रोह के बारे में, जिसमें आज का हमारा जो आंदोलन है वहावी आंदोलन। तो इस वीडियो में हम लोग वहावी आंदोलन के बारे में जानेंगे कि वहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या था और इसका असफलता के क्या कारण थे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि देश की प्रतंत्रता की मुक्ति के लिए, जो देश हमारा गुलाम था उसको मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांतिकारियों की भूमिका के एक सर्जन की भांति थी, जो चीर फाड़ यानी बम पिस्तौल अथवा हिंसात्मक मार्ग से देश का इलाज करना चाहते थे। इसके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार से कम बताना देश की युवा शक्ति का अपमान होगा। कुछ अंग्रेज प्रशासकों और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इन्हें क्रांतिकारी की बजाय चोर, डाकू और हत्यारे कहकर पुकारा है, जो उचित नहीं है। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा और कुछ इतिहासकारों जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उनके द्वारा इन जो ये जो क्रांतिकारी थे उनको क्रांतिकारी की बजाय डाकू और हत्यारे कहकर पुकारा गया है, जो यह बहुत ही अपमान जनित है। वस्तुतः यह क्रांतिकारी ब्रिटिश शासकों के कुकृत्यों, जो उनका जो भारतीयों पर जो अत्याचार किया जा रहा था उनके द्वारा, उन अत्याचारों को उनको कुकृत्यों के विरुद्ध यह संघर्ष था। वहाबी आंदोलन उन्हीं के विरोध में या वहाबी आंदोलन को चलाया गया था, तो उनके विरुद्ध जो अत्याचार किए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर, तो उन्हीं के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें भगाना चाहते थे ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने वहाबी आंदोलन में भाग लिया था और देश में जागृति लाना चाहते थे और ये क्रांति के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसीलिए इसी में से प्रमुख सशस्त्र जो विद्रोह है उसमें से कई एक विद्रोह उस समय हुआ था, उसमें से आज जो हम लोग पढ़ेंगे वहाबी आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों में भी सामाजिक व राजनीतिक जागरण, यानी 19वीं शताब्दी का लास्ट में बाद में जो अंतिम में बोलिए तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों में भी सामाजिक और राजनीतिक जागरण और चेतना का विकास हुआ। वहाबी आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक महान चुनौती प्रस्तुत की। वहाबी आंदोलन द्वारा एक चुनौती प्रस्तुत की गई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। यह आंदोलन संभवतः पुनरुत्थानवादी व क्रियाकलापों से सामाजिक था, जो वहाबी आंदोलन था या सामाजिक आंदोलन था। पुनरुत्थान के लिए आंदोलन को चलाया गया था। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के उद्देश्य से ही वहाबी आंदोलन को चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने वहाबियों को गद्दार और विद्रोही कहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वहाबी क्रांतिकारी थे उन्हें गद्दार और विद्रोही कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में सामाजिक, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में सामाजिक जो बुराइयां थी उसको दूर करना, इस्लाम का पुनरुत्थान और भारत के मुसलमानों में जागृति पैदा करना था। इसका वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इसके द्वारा इस विश्वास को जगाया गया, यानी वहाबी आंदोलन के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया, विश्वास को जगाया गया कि शीघ्र ही अल्लाह द्वारा एक मसीहा आएगा, यानी अल्लाह द्वारा एक मसीहा को भेजा जाएगा जो समस्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर कर इस्लाम को शुद्ध और गौरवमय स्थिति प्रदान करेगा। यह इस आंदोलन द्वारा लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अल्लाह द्वारा एक मसीहा को भेजा जाएगा जो समस्त जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बुराइयां हैं उसको दूर किया जाएगा, कर देगा और इस्लाम को शुद्ध करके गौरवमय स्थिति प्रदान करेगा। तो इस आंदोलन के द्वारा, यानी वहाबी आंदोलन के द्वारा मुसलमानों में व्याप्त कुरुतियां, जो मुसलमानों में जो कुरुतियां थी, तो व्याप्त कुरुतियों की ओर ध्यान दिलाया गया वहाबी आंदोलन के द्वारा और इस बात पर भी बल दिया गया कि इस्लाम धर्म में मान्य चार प्रमुख न्याय शास्त्रों में तालमेल होना चाहिए, जो प्रमुख न्याय शास्त्र है उसमें तालमेल होना चाहिए। इसी की वजह से भारतीय मुसलमान परस्पर बटे हुए हैं। भारत में मुख्यतः इसका उद्देश्य दारुल हरब यानी काफिरों का देश जिसको बोलते हैं को और दारुल इस्लाम यानी मुस्लिमों का देश बनाना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि दारुल इस्लाम यानी मुसलमानों का देश
और काफिरों का देश दारुल हरब जिसको बोलते हैं। तो शुरू में यह आंदोलन पंजाब में सिखों के विरुद्ध था, ये जो वहाबी आंदोलन था इसकी शुरुआत थी पंजाब में सिखों के विरुद्ध, लेकिन पंजाब विलय के बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। जो वहाबी आंदोलन चलाया गया था यह पंजाब में सिखों के विरुद्ध था शुरू में, लेकिन बाद में यही जो आंदोलन था वहाबी आंदोलन यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हो गया। मूलतः यह आंदोलन अरब देश में नजद के अब्दुल वहाब द्वारा प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह एक धार्मिक आंदोलन था, वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन भी था, ताकि इसको समाज में जो बुराइयां थी, यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था समाज में बुराइयां कुरुतियां जो थी उसको दूर करना। तो यह वहाबी जो आंदोलन था अब्दुल वहाब के द्वारा, इस नजद के अब्दुल वहाब द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था अरब में कबीलावाद को समाप्त कर इस्लाम का प्रसार करना था, परंतु रूढ़िवादी मुस्लिम जगत में इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। रूढ़िवादी मुस्लिम थे उन्होंने इसका अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि इसका विरोध किया। रूढ़िवादी मुसलमानों द्वारा इसको विरोध किया गया, इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो भारत में मुसलमानों में आई सामाजिक धार्मिक गिरावट और राजनीतिक शक्ति के मुसलमानों के हाथ से निकल जाने से इस आंदोलन की प्रमुखता मिली। भारत में इसका उद्देश्य इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था के साथ इस्लाम राज को स्थापित करना था। शाह वली अल्लाह पहले भारतीय मुसलमान नेता थे जिन्होंने मुसलमानों की दुरावस्था पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने जो मुसलमानों की जो गति थी उस पर चिंता व्यक्त की थी, और बाद में शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी इन्होंने इसे भारत में वहाबी आंदोलन का रूप दे दिया। तो सैयद अहमद ने इसे एक धर्मयुद्ध बतलाते हुए भारत के प्रमुख नगरों, जो भारत के जितने भी प्रमुख नगर थे, तो इस नगर में धर्मयुद्ध बताते हुए किसने, सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन को धर्मयुद्ध बताते हुए भारत के प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। उसने अपनी गतिविधि का केंद्र भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में सिथाना नामक स्थान को बनाया था। इसका केंद्र उत्तर पश्चिम सीमांत में, जहाँ सिथाना एक जगह है, तो वहाँ पर सिथाना नामक स्थान पर इसका केंद्र बनाया था। उसने ढाका से पेशावर, ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है, राजधानी है, तो ढाका से पेशावर अभी पाकिस्तान में है, तो ढाका से पेशावर तक एक मजबूत संगठन का ताना बाना बुना। तो ये उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की, भारत के प्रमुख जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे, तो इन नगरों को उन्होंने, सैयद अहमद ने इन जितने भी भारत के प्रमुख नगर थे उन नगरों को यात्रा की धर्मयुद्ध बताते हुए, वहाबी आंदोलन को धर्मयुद्ध बताते हुए उन्होंने पूरे महत्वपूर्ण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे वहाँ उन्होंने यात्रा की, और उसने अपनी गतिविधि का केंद्र जो था भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में सिथाना नामक स्थान पर इसका केंद्र बनाया वहाबी आंदोलन का, और उसने ढाका से पेशावर, जो बांग्लादेश का राजधानी है अभी, और पेशावर अभी पाकिस्तान में है, तक इसका मजबूत संगठन का ताना बाना बुन दिया। किसने, सैयद अहमद ने। तो भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना, वहाबी आंदोलन का भारत में मुख्य केंद्र था पटना, और 1831 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद, सैयद अहमद बरेली की मृत्यु के बाद पटना के अली बंधु जो थे, विलायत अली और इनायत, दोनों बंधु थे, दोनों भाई थे, तो विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नेता बन गए। जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाती है 1831 ईस्वी में, तो पटना में इन्होंने इसका नेतृत्व निभाया दो बंधुओं ने, बंधु विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नेता बन गया। और इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत में इसके
अनेक केंद्र थे वहाबी आंदोलन के। तो 1857 के विद्रोह में इन लोगों के योगदान की कोई जानकारी नहीं मिलती है, परंतु अंग्रेजों का यह डर बना रहा कि वे भारत के उत्तर पश्चिम में अफगान अथवा रूसियों से मिलकर उनके लिए संकट खड़ा न करते बन, यानी अंग्रेज हमेशा डरे रहे, ब्रिटिश सरकार हमेशा डरी रही कि अफगानों और रूसियों के साथ मिलकर के उनको उन्होंने संकट कोई किसी प्रकार का संकट ना खड़ा कर दे, इसलिए उन लोगों को ब्रिटिश सरकार को हमेशा भय बना रहता था। वस्तुतः इस सशस्त्र आंदोलन का रहस्य उद्घाटन 1857 ईस्वी के बाद हुआ वहाबी आंदोलन का, और 1860 के पश्चात अंग्रेज सरकार ने इसके विरुद्ध कई व्यापक सैनिक अभियान चलाए इसको दमन करने के लिए, वहाबी आंदोलन को दमन करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा 1860 के बाद कई कदम उठाए गए, कई सैनिक अभियान चलाए गए ताकि इस वहाबी आंदोलन को दमन किया जा सके, और इसे अनेक आक्रमणों को सफल नहीं होने दिया। इसके सैनिक ठिकानों को बिखरा दिया गया, इसके अनेक नेता पकड़े गए, अंबाला और पटना में मुकदमे हुए। वहाबी आंदोलन के कई नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, अंबाला और पटना मुकदमे हुए, अनेकों को पकड़ लिया गया और कठोर सजाएं दी गई, बहुत कठोर सजा दी गई, और 1870 के पश्चात यह आंदोलन पूरी तरह दबा दिया गया। वहाबी आंदोलन को 1870 के बाद पूरी तरह से दबा दिया गया। तो यह था विफलता, अंग्रेजों द्वारा इस पर भरपूर जोर के साथ इसको दमन किया गया, और 1870 के पश्चात वहाबी आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया गया। इसके प्रभाव की दृष्टि से अब हम देखते हैं कि वहाबी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, वहाबी आंदोलन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभाव की दृष्टि से कई निष्कर्ष दिए जा सकते हैं। यह सशस्त्र आंदोलन पूर्णतः मुस्लिम समुदाय के पुनरुत्थान के लिए और ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज की स्थापना के लिए था, अतः यह दूसरे समुदाय द्वारा प्रोत्साहित न हो सका। जो वहाबी आंदोलन था, दूसरे समुदाय द्वारा यह प्रोत्साहित न हो सका, यह मुस्लिम राज स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह दूसरे समुदाय द्वारा प्रोत्साहित न हो सका, और यह आंदोलन पूर्णतः न धार्मिक था और न ही राजनीतिक। वहाबी आंदोलन जो था, इसको धार्मिक आंदोलन तो बताया गया वहाबी आंदोलन के, लेकिन पूर्णतः न तो धार्मिक था और न ही राजनीतिक। इसकी प्रेरणा सांप्रदायिक थी, न कि देशभक्तिपूर्ण, और इसकी जो प्रेरणा थी वह भी सांप्रदायिक थी, देशभक्तिपूर्ण भी इसकी प्रेरणा नहीं थी। अतः इसने भारत में अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और समाज को बांटने में सहायता की। ये जो वहाबी आंदोलन था, किसी एक संप्रदाय के द्वारा ही इस आंदोलन को चलाया गया था, और किसी एक संप्रदाय को स्थापित करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। इसके चलते यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, देशभक्तिपूर्ण आंदोलन भी यह नहीं था। तो यह कारण था कि यह अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया वहाबी आंदोलन ने, और समाज को बांटने में भी सहायता किया। इसने मुसलमानों में स्वतंत्रता और शासन करने की भावना को जागृत रखा वहाबी आंदोलन। तो ये थे वहाबी आंदोलन जो आज हमने पढ़ा, कुछ सशस्त्र विद्रोह में से। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग सशस्त्र विद्रोह जो उस समय चलाया गया था उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।